सिंगप डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य भारत आना, भारत के बाद में यहाँ राजस्थान आना, वो उनका जो विषय ये था कि भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचना किस प्रकार से काम करती है, सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार से संवाद स्थापित करती है और कैसे सुनिश्चित करती है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम किस प्रकार से धरातल पर उतारते हैं, पार्टी का काडर या पार्टी का सामान्य जो सदस्य है किस प्रकार से उसमें इन्वॉल्व होकर और इस चीज को सुनिश्चित करता है, इसको समझने के लिए वो आए थे। उन्होंने जब ये उनको ये पता लगा कि संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल टोटली जिसको कहते हैं विकेंद्रीकरण के व्यवस्था के माध्यम से बूथ तक अपनी व्यवस्था प्रदान करता है, उसको समझने के लिए आए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आए और वो अवलोकन भी करने आए कि किस प्रकार से सरकार और संगठन मिलकर लोक कल्याणकारी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। क्या यहाँ का संगठन जाएगा? अभी सुनिश्चित नहीं। भाई साहब, और भी कोई मतलब देशों के अन्य कोई प्रतिनिधिमंडल आने का है यहाँ पे? क्योंकि हाल फिलहाल ये जानकारी मेरे स्तर पे तो नहीं है, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे हो ये मुझे सरकार की योजना संगठन के माध्यम से जनता के बीच इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। इससे पहले अभी यहाँ आने से पहले एक घंटे सवा घंटे की मीटिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के साथ भी उन्होंने करी है, वहाँ से सरकार के संबंध में जानकारी करी है, सरकार और संगठन के समन्वय के संबंध में भी जानकारी यहाँ मिली है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने स्तर पर वो सारी जानकारी उनको दी और यहाँ का जो संगठनात्मक संरचना है उसका पूरा व्यापक रूप से उनको इस बात को समझाया। चलो ठीक है, मित्रों मुख्यमंत्री जी की से चर्चा आज अभी सुबह हुई नहीं, यहाँ आने से पहले एक घंटा मुख्यमंत्री जी के साथ ही, सरकार के साथ मतलब मुख्यमंत्री जी और उनके उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ उनकी चर्चा हुई। ये बात अभी कहना संभव नहीं है, वो क्या करेंगे ये तो उन पर। चलो।